बस अब फटाफट से अपना तंदूर गरम करूंगी। तो अभी हमारे गर्मा गर्म चूड़ू जो है ना तैयार हो गए। टच मी नॉट, कर तो दिया पर कितने अलग लग रहे हैं ना, जैसे जैसे हाथ पे कुछ हो गया और बाकी तो कांटे ही कांटे। हाँ जी मामा मामा मामा, चलो जल्दी चलो। फूलों से नहीं होगेंगे ऐसी, टहनी लगानी पड़ती है, वो लगाएंगे हम बाद में जब बरसात आएगी ना तब लगाएंगे, बरसात के टाइम पे। सारे झड़ रहे हैं ना गुलाब, तो मैंने सोचा कि इनका ना या तो गुलाब जल बना दें या तो वो बना देते हैं सुखा करके पाउडर बना देंगे। तोड़ते तो मैं तोड़ को नहीं तोड़ना था। ओ तुम तो सारी पत्तियां बिखरा दी। ऐसे ना तोड़ो, ऐसे नहीं तोड़ो, सानू ऐसे नहीं तोड़ो, ऐसे नहीं तोड़ो ना। नहीं बेटे सारी पत्ती निकल रहे हैं शानवी, बच्चू ले पकड़ हाथ में पकड़, मान लिया करो कभी बात। पत्तियां उठाओ, इसको ढंग से तोड़ना, इसको इसकी पत्तियां नहीं। बेटे ऐसे रहने दे तू, अभी और खिलेंगे फिर इसमें। दो पत्तियां दो मेरा। तो आज जिम करना स्टार्ट कर दिया है? जिम करना तो स्टार्ट ही है ना। हाँ हाँ, पर आज हम बनाने जा रहे हैं चिल्लू। अच्छा मेरे फेवरेट। हाँ जी। क्या बात है। तो आज हम ना मजे की बात ये कि इधर बनाने वाले हैं, चूल्हा लगाएंगे इधर और उसमें फिर, क्योंकि चिल्लू बनाने में ना काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और गैस भी बहुत ज्यादा जलती है और फिर खड़े खड़े ना पाँव दुखते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ चूल्हे पे आराम से यहाँ पे बैठ करके, तो बस उसी के लिए मैं तैयारी करती हूँ। पहले ये मैंने लगा दी ना मैट इधर, प्रबंध तो हो गया। अब चूल्हा है नीचे तो इसको साफ करूँगी पहले और लकड़ियाँ लेकर के आऊँगी, फिर लगाते हैं इसको चूल्हे को इधर और फिर पकाते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि किस स्थिति में पहुँच गया है हमारा चूल्हा। एक्चुअली बारिश हुई ना जब वो तिरछी करके, तो उसकी वजह से फिर नीचे चूल्हे में पानी आ गया था, फिर जितनी भी इसमें राख वगैरह थी ना मिट्टी मिट्टी हो गई थी सारा, मतलब गीला हो गया था। और फिर इसको उठा करके हम यहाँ पे लेकर के आए थे, मैं क्या अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी इसकी। और वहाँ पे मैंने सोचा कि इस बार ना खुद मिट्टी का चूल्हा बनाऊँगी अपने हाथों से। तंदूर की हालत तो बड़ी बढ़िया हुई है आज। कोई बात नहीं, तो ये नीचे था ना चक्कर, ये हुआ। अब जलाती हूँ फटाफट से आग, फिर बनेंगे चिल्लू। तो मेरा काम तो हो गया चालू, बाकी पतिदेव अभी बातों में बिजी हो गए थे, कोई आ गए थे उनके साथ गपशप कर रहे थे ये, तो फिर मैं ओरिजिनल वॉइस के साथ मतलब वीडियो नहीं बना पाई। ये मिट्टू के हाथ में पकड़ाया हुआ था फोन, और यहाँ पर पहले तो आग जलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर एक बार जल गई ना तो उसके बाद तो फिर धनाधन काम चलता रहता है। तो आग जला दी मैंने पहले ही, फिर उसके बाद ये तैयार किया बैटर। इसके लिए मैंने लिया था चावल का आटा और उसमें कुछ नहीं डाला, गुनगुने पानी के साथ फिर पहले थोड़ा गूंथ लिया था ना जैसे हम गेहूं का आटा गूंथते हैं, फिर उसके बाद इसको हाथों से थोड़ा मतलब घोला था, फिर उसके बाद ये बीटर की मदद से अच्छी तरह से एक बढ़िया सा घोल बना लिया था, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ही ज़्यादा पतला, मतलब इसी तरह का होता है, मैं खुद से पता चल जाता है जब हम बना रहे होते हैं तो। और फिर मेरे चिल्लू पकना स्टार्ट हो गए। बीच में ये मोटे मोटे लकड़ियाँ लेकर के आई थी ना, तो बीच में से महीन वाली ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये मैं ना जो बात कर रहे थे ना पतिदेव बात कर रहे थे जिनके साथ, तो उनके साथ बीच बीच में गपशप भी कर रही थी मैं भी, तो मतलब अपना काम भी कर रही हूँ। आप सोचोगे कि भाई ये क्या बोल रही है तो मतलब उनके साथ चली हुई थी बातें हमारी। और बाकी ये देखिए फिर इस तरह से, तवा मेरा थोड़ा छोटा है ना इसलिए मतलब थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, वैसे बड़ा होता है ना तो बड़े बड़े भी बन जाते हैं, मुझे बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। और बस फिर फटाफट से बनाऊंगी क्योंकि इनको ना बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कई बारी जो आग है ना वो तेज़ करनी पड़ती है और फिर कई बारी स्लो करनी पड़ती है, मतलब देख के कि तवा किस हिसाब से है। और वैसे गैस पे बनाए तो लो फ्लेम पे ही बनता है। तो अभी हमारे गर्मा गर्म चूड़ू जो है ना तैयार हो गए,
दिखाइए कितने सारे तैयार कर दिए। ये देखो क्या बात है, लेके आओ इधर। और मेरे फेवरेट है ये एक मिनट। ओ माय गॉड, आज तो दाल मखनी के साथ और गाय का देसी घी खाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना आप, ये तेल है सरसों का तेल, तो ये तवे पे लगा रही हूँ ना मैं। और ये रहा हमारा बैटर, और यहाँ पर पक रहे हैं हमारे चिलड़ू, बहुत ही गरम गरम नरम नरम और कमाल के चिलड़ू। एक्चुअली मेरा तवा थोड़ा छोटा सा है ना, तो इस पे थोड़ा सावधानी से मुझे बनाने पड़ते हैं, बहुत बड़े नहीं बना पाती हूँ मैं मतलब, और छोटे छोटे बनाने में ना वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि टाइम लगता है इनको पकने में ना। ये इस तरह से पतिदेव से मंगवाए थे ना मैंने पत्ते, तो ये इतने सॉफ्ट पत्ते उठा करके ले आए ना। अच्छा, मतलब कि हार्ड वाले लेके आने थे? हार्ड वाले तभी तो ये आगे को खिसकता, ये तो बेचारे ऐसे मरियल से हैं, वहीं पे उग जाते हैं। क्या देखो, बात मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो कितने सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते ले आए बेचारे, अभी को जैसे वो भी अभी उग रहे हैं ना नए पत्ते वो वाले। अच्छा, तो ये अब मैंने रख दिया इधर, और इसके बाद फिर अभी थोड़ा मध्यम आंच पे लो फ्लेम पे। आप यहाँ से आइए ना आगे से। अच्छा, आगे से आइए। अच्छा अच्छा, मैं पीछे से, आगे से। ये लो जी, इधर को कहाँ मुड़े ना। अरे ये लो जी, और कोई दिख रहा है, और कोई आ गया। और बाकी फिर ये देखिए, थोड़े थोड़े जैसे किनारे छोड़ दिए ना इसने। अब मैं इसको पलट दूंगी। और हम ना इसमें, जैसे मैंने आपके साथ पहले भी दिवाली के टाइम पे हम बनाते हैं, रेसिपी शेयर की है। देखिए क्या बात है, क्या बात है। तो इसमें कुछ नहीं डालते, नमक वगैरह कुछ नहीं डालते, मतलब प्लेन ही होते हैं, इसी तरह से अच्छे लगते हैं। और थोड़ा ना मिठास जैसे होती है इसमें, चावल का आटा ऐसे भी टेस्ट में थोड़ा मीठा मीठा सा होता है, ऐसे नहीं भी बहुत है, पर ऐसे हल्का सा, तो वो वाली मिठास होती है, इसलिए नमक। और ये वैसे भी दाल के साथ ही अच्छे लगते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं, वो तो दाल के साथ ही खाते हैं ना, पर हम लोग ट्रेडिशनली दूध और घी, शक्कर मतलब गुड़ इकट्ठा मिक्स करके, वो भी एक बहुत लाजवाब तरीका है, और वो था ट्रेडिशनल तरीका। और दाल के साथ तो जैसे अब आप पसंद नहीं करते हैं दूध घी ये सब चीज़, तो फिर देखो कितना ख्याल रखती है वंदना में, उड़द की दाल के साथ फिर खाते हैं, उसमें भी देसी घी डाल के ना मजा आ जाता है वैसे तो खाने का। ठीक, तो बस आज हमारे लिए दिवाली वाला ही त्योहार हो गया, और आनंद के साथ आज पति देव, क्योंकि इनके तो मुँह में पानी आ रहा है, ये फटाफट से अभी इनकी ड्यूटी है ना दाल बनाने की। मैं यहाँ पे, मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग एक घंटा तो ही गया होगा, क्योंकि टाइम लगता है ना इसको पकाने में, तभी तो मैंने गैस पे रिस्क नहीं लिया, फिर वहाँ पे खड़े होकर के टांगों में दर्द हो जाती है, और यहाँ पे आराम से बैठ करके, और बाहर ऐसे भी मौसम ठंडा ही है क्योंकि मैं बाहर ही बैठी हुई हूँ, एकदम बालकनी वाला एरिया ना, तो चूल्हा यहाँ पे अच्छा लगा। आप सोचोगे कि ये बेचारा चूल्हा हमारा कितनी बार कभी इधर कभी उधर आता है ना, तो अभी अंदर ना क्या हुआ कि जब पिछली बारी वो बारिश नहीं हुई, तो चिमनी जो ना ऐसे तिरछी करके बारिश हुई, तो शायद कुछ पानी ना नीचे चिमनी तक मतलब चूल्हे तक पहुँच गया था, फिर ये गीला गीला हो रखा था, फिर हमने इसको निकाला था, साफ करके मतलब अच्छे से वो किया था, नीचे रखा था, फिर तब जा करके फिर ये मैं क्या आज इधर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैसे इस चूल्हे को ना जहाँ पर भी आप उठाना चाहो उठा करके लेके जा सकते हैं, तो जब भी कभी दिल करता है ना ऐसे चूल्हे वाला खाना खाने का, तो फिर हम लोग ये देखिए कितनी बढ़िया आती है ना आवाज चलाऊं वाली चलाऊं। अब ये देखो इन्होंने ऐसे मरियल से लिए हैं पत्ते, काफ़ी टाइम लग जाता है, शाम के टाइम पे मैंने बनाना स्टार्ट किए थे, और अभी आप देख ही सकते हो कि रात हो गई है। और बाकी नेक्स्ट इससे आगे हमने क्या इसके साथ खाने के लिए बनाया, बाकी का ब्लॉग आगे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए माइकी के कुछ क्लिप्स मेरे पास रह गए थे, मैं क्या पहले वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखो देखो कौन कौन खेल रहा है, एक दो तीन। आ जा भैया, आ जा, मैं तुमको ढूंढ रही हूँ, मैं तुमको
एक दो तीन तीन पांच तक बुला बहुत छोटी दो बोल आपने अपनी दीदी को दे दी, दो बोल मेरे को दे दी, और कितनी बची आपके पास? बच्चा है सर, अपने बेटा ये नहीं अभी जब स्कूल में पढ़ेगी ना तब पूछना ही से ऐसे गलत जवाब बहुत आगे जाएगी। अभी शोर बहुत ज्यादा हो रहा था, मतलब ये तीनों भी आपस में बात कर रहे हैं, हम आपस में लगे हुए हैं, बाकी जो किचन में हैं वो आपस में बातचीत कर रहे थे। ये वीडियो बना दिया अपनी फोटो खींच के। नहीं देखो लग गया ना उधर ही हो और मानी इधर देखो पापा। हाँ जी, बस अब खाना खा रहे हैं भी अभी। हाय। तो बस आज के लिए ब्लॉग को करी हूँ यहीं पेंड, बाकी जो रह गया ना चिल्डू से आगे वाला पार्ट तो वो कल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।